व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है तंजीम और आप देख रहे हैं स्पाइडर टेक इन्फॉर्मेशन चैनल। मैंने 3 दिन पहले एक हेडफोन ऑर्डर किया था, कॉस्मिक वाइड H11 का गेमिंग हेडफोन्स, तो वो अब मेरे पास अभी आ चुके हैं। तो आज मैं आपको उसका रिव्यू बताऊंगा और अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा कि ये अच्छा है या बुरा। तो ये रहा भाई, हमारे हाथ में आ गया हमारा गेमिंग का हेडफोन कॉस्मिक वाइड H11 हेडफोन, जो कि अब तक के रिव्यूज मैंने जो देखे उसमें से बहुत अच्छा बोलते हैं कि बहुत अच्छा हेडफोन है गेमिंग के लिए। तो अब मैं अनबॉक्स करके आपको बताऊंगा कि ये सही में अच्छा है या इसमें और कुछ फॉल्ट्स हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई दिखने से तो बहुत मस्त हेडफोन लग रहा है, इसके कुशन्स बहुत ही सॉफ्ट है और यहाँ पे भी देखो आपको एक कुशन मिलता है जिसे अगर आप गेमिंग करोगे तो आपको सही पड़ेगा, आप पूरा दिन बैठ कर आराम से गेमिंग कर सकते हो। और इसका सबसे एक और अच्छी चीज़ है कि इसका माइक एकदम एडजस्टेबल माइक है, इसको आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे जैसा आपको जमता है वैसे आप रख सकते हो इसको। तो भाई अब इसको हम 1 मिनट के लिए रखते हैं यहाँ पर, इसके वायर की क्वालिटी देखते हैं। तो ये वायर की क्वालिटी सबसे अच्छी है, इसकी ब्रेडेड केबल है एकदम, कम से कम आपको ये बहुत लंबी वायर मिलेगी, 1.5 से 2 मीटर की वायर है ये, और इसी में आपको ये मिलता है वॉल्यूम एडजस्ट करने का और माइक ऑफ ऑन करने का बटन। ये देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये बटन। तो भाई अब हम इसका आपको रिव्यू देंगे कि ये अच्छा है या ख़राब। तो अब हम इसका ये हटाएंगे ये रैप, और ये आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे और ये साइड से भी ऐसे। तो भाई ये रहा हेडफोन और ये मैं पहन के आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो एकदम सॉफ्ट है और इसके ईयर कफ बहुत ही सॉफ्ट है और एकदम बड़े बड़े हैं, मेरा पूरा कान एडजस्ट हो गया उसमें। और इसका ये माइक देखिए आप कितना अच्छा है, ऐसे ऐसे अपन आपको कैसा भी जमता है वैसा आप रख सकते हो। और इसकी वायर एक बार भाई देख लो कितनी लंबी वायर है, 1.5 से 2 मीटर की वायर है इसकी। तो मैं अब आपको इसमें पबजी गेम खेल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसा साउंड है और कैसा चलता है। तो भाई मैंने अभी एक टीडीएम खेल लिया है और मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ कि इसमें मेरे को क्या बेनिफिट हुआ टीडीएम खेलने से। मैं जब टीडीएम खेल रहा था तो मुझे लेफ्ट से साउंड आ रही थी, लेफ्ट वाले जो बंदे आ रहे थे, और राइट से साउंड आ रहे थे जो राइट से बंदे आ रहे थे। और मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी लगी, इसकी जो कुशन था इसके वजह से मुझे बहुत आराम मिल रहा था खेलने में, और मैं एकदम ईजीली खेल ले रहा था। और माइक भी इतना अच्छा क्वालिटी का है कि मैंने माइक जब उन लोग की बात किया सामने वाले बंदों से तो उनको भी मेरी अच्छे से आ रहे थे, उनकी आवाज़ मेरे को अच्छे से आ रही थी। और ये ही इसकी अच्छी क्वालिटी, और ऊपर और ये प्लास्टिक बिल्ड आता है, ये आपको कहीं से भी मेटल ऐसा दिखता नहीं दिखता कि पूरा प्लास्टिक के पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसको आराम से गेमिंग के लिए खरीद सकते हो। तो मेरा ओपिनियन है कि अगर आपका बजट 1000 रुपीज़ के अंदर का है तो आप हेडफोन के साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छे हेडफोन 1000 रुपीज़ के अंदर।